I have only one question. If something like that happened, God forbid, to someone in your family, would you stand and watch or would you help? That's my only question. And I think these things are allowed to happen, and people stand there and they watch these things happen and they're fine with it because they think it's absolutely fine for something like that to happen to a girl. For men to accept that it's an opportunity for us to do something like this and get away with it, and people in power trying to defend it, it's absolutely horrible. I think as a society, the fact that these things are in certain people's heads acceptable to a certain degree, it's disturbing and it's shocking. And I'm ashamed to be a part of that society. I think we need to change our thinking, be respectful, and as I said, put yourself in that situation and think, how would we feel about it? Jai Hind. एकदम डायरेक्ट बोलूं, दिल से बोलूं, आज अपने एक इंसान होने पर शर्म सी आ रही है। अपनी बेटी को गोद में उठाए एयरपोर्ट से निकल ही रहा था कि टीवी पर कुछ न्यूज़ आ रही थी, वहां नजर पड़ी। उसे देखकर पता नहीं आप लोगों को कैसा लगा, बाय गॉड, लेकिन मेरा खून खौल उठा। एक बेटी का बाप हूं और ना भी होता तो शायद यही कहता कि जो समाज अपनी औरतों को इज्जत नहीं दे सकता, उसे अपने आप को इंसानी समाज कहने का कोई हक नहीं है। और सबसे ज्यादा शर्म की बात पता क्या है, कुछ लोग राह चलते किसी लड़की की हैरेसमेंट को भी जस्टिफाई करने की औकात रखते हैं। साले, ये बदतमीजी करने वाले लोग किसी दूसरे प्लेनेट से नहीं है, ये हमारे हमारे यहां से ही है, आपके और मेरे जैसे घरों से ही है, हम सबके बीच में ही घूमते हैं ये दरिंदे। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। याद रखना, जिस दिन इस देश की बेटी ने पलट के जवाब दिया ना, अगर तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी, अकल ठिकाने नहीं, सुधरोगे तो बात भूल जाओ, सीधा ऊपर सिधार जाओगे। और लड़कियों से भी मैं कुछ कहना चाहूंगा, लड़कियां किसी भी तरह लड़कों से अपने आप को कमजोर मत समझना, आपको डरना नहीं है, आप किसी से कम नहीं है, बस अलर्ट रहो। थैंक यू, जय हिंद।